नमस्कार, पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट की पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है। साथ ही साथ हम लोग इससे पहले एक और घटना हुई जो कि नौसेना विद्रोह के नाम से जानी जाती है, उसको भी हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आए आपके पास इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेशन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, नौसेना विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। क्या पूछ रहा है कि नौसेना विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, यानी कि इसकी डेट पूछी जा रही है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ था 18 फरवरी को, यानी कि 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 18 फरवरी। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था बम्बई से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो नौसेना विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ। नौसेना विद्रोह, जैसा कि भी हमने आपसे डिस्कस किया कि नौसेना विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था बम्बई से। और बम्बई से प्रारंभ हुआ, उसके बाद में इसका जो दूसरा सेंटर बना है वो कराची में 19 फरवरी को प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो विद्रोह प्रारंभ हुआ था बम्बई से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बम्बई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह किस जहाज से प्रारंभ हुआ। अब नौसेना विद्रोह है तो जाहिर सी बात है ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ है ये किसी ना किसी जहाज से, पानी के जहाज से प्रारंभ हुआ होगा। तो किस जहाज से प्रारंभ हुआ, और जहाजों के संदर्भ में आपको दो तीन ही मुख्य रूप से याद रखने होते हैं। एक, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं तब पूछा जाता है कि वो किस जहाज से गए थे। दूसरा, जब गांधी जी उससे पहले जब लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए तब वो किस जहाज से जाते हैं। और साथ ही साथ नौसेना विद्रोह के समय जहाज कौन से जहाज से ये नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो ये पूछा जाता है। तो तीन जहाज के नाम आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। तो जिस जहाज से नौसेना विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो है SMS तलवार, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए, SMS तलवार से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और SMS राजपूताना ये वो जहाज है जिससे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किसने SMS तलवार नामक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था। तो जो जहाज था उस जहाज पर बड़े बड़े बोर्ड लेटर्स में लिख दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो किसने लिखा था, बीसी दत्त हैं, सरदार पटेल हैं, जिन्ना हैं, या फिर गांधी। तो ये लिखने वाले थे बीसी दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त ने ही ये लिखा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, किस जहाज पर, SMS तलवार जहाज पर। और इसी से ये नौसेना विद्रोह का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हड़ताल समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो ये हड़ताल हुई नौसैनिकों ने की, तो एक केंद्रीय हड़ताल समिति बनी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में ये केंद्रीय हड़ताल समिति गठित की गई थी। तो MN खान है, राजेंद्र प्रसाद है, गांधी हैं, मौलाना आजाद हैं। किसकी अध्यक्षता में ये गठित की गई थी, तो ये जो केंद्रीय हड़ताल समिति गठित की गई थी ये की गई थी MN खान की अध्यक्षता में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, MN खान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किन दो भारतीय नेताओं ने विद्रोहियों से बातचीत की। तो जो विद्रोही थे वो अपना विद्रोह समाप्त कर दें और कोई एक बीच का रास्ता निकल आए, तो इसके लिए जिन दो नेताओं ने विद्रोहियों से बात की थी उनके नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो किसने बात की थी, तो विद्रोहियों से बात की थी एक तो थे आपके सरदार पटेल और दूसरे थे जिन्ना। तो जिन्ना और सरदार पटेल, एक और दो ए विकल्प में आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। तो जिन्ना और सरदार पटेल के द्वारा विद्रोहियों से बातचीत की गई थी और ये विद्रोह समाप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, एक और दो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ। अब यहाँ पर गठन की तिथि आपसे पूछी जा रही है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ है कैबिनेट मिशन का गठन,
19 फरवरी 1946 है, 24 मार्च 1946 है, 16 मई 1946 है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 19 फरवरी 1946। तो जो कैबिनेट मिशन है इसका जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 19 फरवरी 1946 को, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे और 3 सदस्य जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे। अब कैबिनेट मिशन नाम ही है तो ये मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, और जो कैबिनेट लेवल के मंत्री थे, तो इसमें से किसने अध्यक्षता की? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने। पैथिक लॉरेंस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ इसमें कौन कौन मंत्री और शामिल थे ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लेकिन इसमें जो शामिल थे वो स्टेफर्ड क्रिप्स भी शामिल थे, साथ ही साथ आपके ए वी अलेक्जेंडर भी शामिल थे। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 नाम दिए हो सकते हैं और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, तो आपको ये ध्यान रखना है स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए वी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग शामिल थे और इसके अतिरिक्त जो भी नाम दिया होगा वो ही शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, पैथिक लॉरेंस इसमें इसके अध्यक्ष थे। साथ ही साथ जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये वाणिज्य मंत्री थे और जो ए वी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना विभाग के प्रमुख थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब आपको मालूम है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और 3 सदस्य जो थे उनमें से पैथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे, ए वी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वाणिज्य मंत्री थे, तो ये 3 शामिल थे। जो बच गए लॉर्ड बेवेल, तो लॉर्ड बेवेल इसमें शामिल नहीं थे, 3 ही सदस्य शामिल थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लॉर्ड बेवेल शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन भारत आया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, और 1945 के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कौन भारत है, तो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, वेवेल योजना है, तो कौन आया? तो आपको ये देखना है क्रिप्स मिशन कब आया था, 42 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया है, तो निश्चित तौर से कैबिनेट मिशन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में भारत आया था, 1927 में गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत को एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा? जो भारत में जो शासन व्यवस्था हो वो त्रिस्तरीय हो, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो यहाँ पर ये 4 मिशन आपके सामने हैं, साइमन कमीशन है, क्रिप्स मिशन है, वेवेल योजना है, या फिर कैबिनेट मिशन। तो किसके द्वारा ये त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी गई? तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, तो ये जाने पहले कि त्रिस्तरीय व्यवस्था थी क्या, तो वह ये था कि जो भारत में जितने भी प्रांत थे तो उन सभी प्रांतों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ए बी और सी। अब वो जो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था इसी को त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा गया, कि कुछ प्रांत ऐसे थे जो आ में रखे जाएंगे, कुछ बा में, कुछ सा में, या ए बी सी में। तो यही त्रिस्तरीय विभाजन था, और आगे चलकर के आप देखेंगे कि किन्हें ए में रखा गया, किन्हें बी में रखा गया, वो प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के साथ। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो प्रस्ताव रखा गया था वो प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को अविभाजित रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था, उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो प्रस्ताव है ये मई में आया। मई में किसका प्रस्ताव आया? देखिए, जो कैबिनेट मिशन था इसका गठन हुआ था फरवरी में, 19 फरवरी 1946 को इसका गठन हुआ था। भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी मई में, 16 मई 1946 को। तो 16 मई 1946 को किसकी रिपोर्ट आ रही है?
वो रिपोर्ट आ रही है कैबिनेट मिशन की, तो इसका प्रस्ताव मई में आया। अगर आपको ये मालूम है कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है, जो रिपोर्ट है, वो मई में आई है, तो इससे आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना बहुत आसान हो जाता है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही ये था कि अभी भी इससे भारत को संयुक्त रखने का एक आकांक्षा थी कि भारत का विभाजन ना हो और एक संघीय राज्य का स्वरूप बन सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। अब यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, प्रांतीय समीकरण का प्रावधान था या नहीं था। दूसरा, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होना था। तीसरा, पाकिस्तान की स्वीकृति। और चौथा, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इनमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। प्रांतीय समीकरण का प्रावधान था, बिल्कुल ही था। इसमें ए, बी और सी तीन कैटेगरी में प्रांत बना करके और उनको सामूहिक रूप से एक संघ के रूप में गठित करना था, बिल्कुल इस कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में ये प्रावधान बिल्कुल सही है। भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होना था, ये भी बिल्कुल सही है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होना था। पाकिस्तान की स्वीकृति, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्वीकृति थी, पाकिस्तान के प्रस्ताव को इसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। तो ये ही गलत है कि पाकिस्तान की स्वीकृति इस प्रावधान में नहीं थी। संविधान निर्माण का अधिकार, बिल्कुल इसी के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही आगे चल करके संविधान सभा का गठन होता है और भारत का संविधान निर्मित होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, तो सही क्या सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को इसने अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, इसलिए यही असत्य है और इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन से सही हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन से सही हैं, तो आपको बताना है। पहला, संघीय सरकार की सिफारिश की, कैबिनेट मिशन के द्वारा संघीय सरकार की सिफारिश की गई। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सरकार है ये, संघीय सरकार की सिफारिश की गई, बिल्कुल की गई थी। भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विस्तार, ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध। अब आपको बताना है किनमें से क्या सही है, केवल एक सही है, दो और तीन सही, एक और तीन सही, या फिर सभी सही हैं। तो आपको इसमें से सही का चयन करना है, क्या क्या इसमें सही है। क्या संघीय सरकार की सिफारिश की गई थी, क्या भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के संदर्भ में कोई, इसमें शक्तियों के विस्तार के संदर्भ में कोई बातचीत थी, क्या ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध है, तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, ये आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, केवल एक, क्योंकि संघीय सरकार की सिफारिश तो निश्चित तौर से इसमें की गई थी, लेकिन ना तो भारतीय न्यायालयों की शक्ति विस्तार के संदर्भ में कोई बात की गई थी, ना ही ICS में और अधिक भारतीयों के लिए कोई उपबंध किए गए थे। तो इसमें सिर्फ एक सही है, शेष दो और तीन गलत हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है, 1946 में लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण, अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई। अब आपको ये बताना है कि इनमें से क्या सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या है। दूसरा, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये आपको बताना है। तो 1946 में लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ में लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दी थी, लेकिन जब आगे चल करके उसने ये स्वीकृति वापस ले ली थी, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण, अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई। तो अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई, प्रारंभ में सरकार में लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन आगे चल करके लीग सरकार में शामिल हो जाती है, तो कारण भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण पक्षधर था
तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण पक्षधर था, गांधी या नेहरू हैं, आजाद हैं या फिर पटेल। तो जो कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण पक्षधर था, और पक्षधर क्यों था, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था, साथ ही साथ एक संघ की कल्पना की गई थी, अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी। तो इन सभी प्रावधानों के चलते जो कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण पक्ष में थे वो थे गांधी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना तथा कैबिनेट मिशन तीनों से वार्ता की। तो यहाँ पर उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है जिसने इन तीनों मिशन के साथ वार्ता की। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1940 में। तो क्रिप्स मिशन में भी वो वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना कब की है, 1945 की है। तो 1945 में वेवेल योजना, तो जो वेवेल योजना है उसमें भी यही बातचीत करते हैं, और जो कैबिनेट मिशन उनसे भी तो कौन करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे वो थे मौलाना आज़ाद, और 1940 से लेकर के नवंबर 1946 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1940 से 1946 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने रहे हैं वो अध्यक्ष बने रहे हैं मौलाना आज़ाद। अब कैबिनेट मिशन कब आ रहा है, 1946 में आ रहा है, और कब फरवरी में इसका गठन होता है और मार्च में आता है, तो ये भी नवंबर से पहले ही हो जाता है। तो 1940 से 46 तक यानी क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन तीनों से वार्ता करने वाले जो आपकी कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो हैं मौलाना आज़ाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर आकर के नौसेना विद्रोह और कैबिनेट मिशन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, और इससे संदर्भित जो भी चर्चा हो सकती थी आपके साथ में की गई है। आप जरूर व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।